काले और ख़राब बर्तनों को साफ़ करने का नया और अनोखा तरीका मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आपने वीडियो का अंत तक फुल वॉच करना है। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? यहाँ पे मेरे पास एक सॉस पैन है। अक्सर जब हम सॉस पैन यूज़ करते हैं ना, तो इसके अंदर से ना काला काला सा हो जाता है। तो आपने क्या करना है कि चीनी ये लेनी है आपने, 1 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कर देनी है। पानी हमने तकरीबन इसके अंदर 1/2 कप ऐड कर दिया था और चूल्हा हमने ऑन कर दिया था। तो यहाँ पर मेरे पास सिरका है। अगर आपके पास सिरका है तो आप ये इस्तेमाल कर लें, टाटरी जो होती है। पुराने ज़माने में लोग जो उसके साथ ना बर्तन साफ़ किया करते थे, कड़ी वगैरह में भी लोग यूज़ करते हैं, तो वो टाटरी भी इसमें डाल सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है सिरका तकरीबन 1 टेबल स्पून, और इसको हमने चूल्हे को दरमियानी आँच कर देनी है। ये पानी पक जाएगा, साथ साथ हमारा जो पैन है जो अंदर से ख़राब हो चुका है ना, तो इस तरह से ना काला पड़ जाता है, तो ये साफ़ हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से और चमकने लगेगा। चैनल पर अगर न्यू है तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकन को क्लिक कर दिया करें, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमने पैन को साफ़ कर लिया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें, और देखें यहाँ पर इसको इस तरह से हम चमका सकते हैं। सेकेंड तरीका हमारा बहुत ही ज़बरदस्त है। अक्सर हमारे पास ना इस तरह की गोलियाँ पड़ी होती हैं ना, जो टैबलेट वगैरह जो हम यूज़ नहीं करते, एक्सपायर हो चुकी होती हैं। तो हमने क्या करना है, एक्सपायर ना भी हो तो आप ना एक यूज़ कर लें इसको। इस तरह से हमने पीस के पाउडर बना लेना है। टैबलेट को हमने पीस के इसके अंदर ऐड कर देना है, और इसके अंदर हम मीठा सोडा ऐड करेंगे। यहाँ पे मेरे पास 1/2 टीस्पून मीठा सोडा है। अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत है, ज़्यादा बना सकते हैं, तो यहाँ पे ना मेरे पास सर्फ है, कोई सी भी ब्रांड का आप सर्फ यूज़ कर सकते हैं जिसके साथ हम कपड़े वॉश करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर डाल दिया है तकरीबन 1 टीस्पून, तो 1 टीस्पून से ऊपर ही है। तो हमने इसको मिक्स कर लेना अच्छे तरीके से, और इसे हम बर्तन को अच्छी तरह से साफ़ करेंगे। ये वाला तरीका बहुत ही ज़बरदस्त है, इससे काले और गंदे बर्तन जो जले होते हैं ना बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आप काली सी पतीली है मेरे पास, इसको मैं साफ़ करके दिखाती हूँ आपको लाइव। तो यहाँ पे जो मैंने मिक्सर तैयार किया है ना, इसको मैंने क्या करना है कि इसके ऊपर डाल के ना हमने जाली जो होती है बर्तन साफ़ करने वाली, उसके साथ अच्छी तरह से इसको साफ़ करना है। और ये बहुत ही अच्छे तरीके से ना ये सारा जो कालापन है इसका रिमूव हो जाएगा। आपका जो बर्तन है, पतीली है, देचकी है, बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाएगी। तो इस तरह से हमने तकरीबन 2 मिनट के लिए करना है, बाद में भी थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसके ऊपर, और इसको अच्छी तरह से हमने इस तरह से ना रब करना है। इसके साथ आपको इतनी एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, आराम से आप ना जाली इस तरह से लगाते जाएंगे, ये साफ़ होता जाएगा। और बाद में थोड़ा सा हम पानी इसके ऊपर लगाएंगे, इसको अच्छी तरह से ना साफ़ कर लेंगे, और बहुत ही आसानी से ये तमाम जली हुई पतीली जो काली हो जाती है ना, ये साफ़ हो जाएगी। बाकी का मिक्सर वो भी मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया, थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से हमने साफ़ करना है। चैनल पर न्यू है तो लाजमी लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब करते जाएं, वीडियो को शेयर कर दिया करें। और यहाँ पे देख सकते हैं कि पतीली का जितना भी कालापन था ना, इसके ऊपर इतनी कालक लगी हुई थी, बहुत अच्छी तरीके से साफ़ हो चुकी है बहुत आसानी से। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितनी आसानी से इसके ऊपर से रिमूव होगी। अब मैंने क्या किया कि थोड़ा सा साबुन लगा के इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी, ताकि ना अच्छी सी खुशबू आ जाए, और इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छी तरह से हमने साफ़ कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कितनी काली पतीली थी, इतनी जली हुई थी, और बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ़ हो चुकी है। इस तरीके से ना हम जो बर्तन लोग यूज़ करते हैं ना गांव वगैरह में, तो वो इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं ये रेमेडी को, और बहुत ही अच्छे तरीके से ना अपनी देचकियाँ जो सिल्वर की होती हैं इनको साफ़ कर सकते हैं। बहुत ही चमकदार आपके सामने हो चुकी है इस तरीके से। ये वाला फार्मूला बहुत ही ज़बरदस्त है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।